तो आज नंबर थ्योरी में हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेशंस करेंगे। कल हमने थ्योरम की थी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी या किसी को कोई दिक्कत आई नहीं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, काफी पुराना क्वेश्चन है और 7th सेंचुरी में भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, ये उनके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। कुछ अंडे हैं और उनको हमें उठाना है। एक टोकरी में अंडे रखे हुए हैं, अंडों की जो आप कोई दूसरा फल भी रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली काउंटिंग से मतलब है। When eggs in a basket, removed, two, three, four, five, six at a time. There remain respectively one, two, three, four, five, eggs. When they are taken out, seven, they are taken out. Seven at a time. None are left over. Find the smallest number. Oh, it's in the basket. आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ पाया या नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है। बच्चों, एक टोकरी है बड़ी सी, उसमें कोई भी अंडे या फल कुछ भी सोच लो, कुछ हैं। अब हमें नहीं पता वो कितने हैं, वही निकालना भी है। अब जब आप दो दो एक बार में, मान लो संतरे रखे हैं, सोचो एक बार में दो संतरे निकालोगे, पहली बार में दो, दूसरी बार में, या दो अंडे, तो लास्ट में एक ही बचेगा। अगर मैं दोबारा यही काम शुरू से करूं और एक बार में तीन तीन अंडे या तीन तीन संतरे उठाऊं, तो लास्ट में दो बचेंगे। अगर मैं एक बार में दोनों हाथों में दो दो उठा के चार टोटल उठाऊं, एक बार में चार 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 करके उठाऊं, तो लास्ट में तीन बचेंगे। अगर मैं हर बार पांच उठा के एक एक बार में पांच उठाऊं, कैसे भी सोचो, तो लास्ट में चार बच जाएंगे। और अगर मैं छह छह करके उठाता हूं, तो लास्ट में पांच अंडे बच जाएंगे। लेकिन जब मैं सात सात करके उठा रहा हूं, तो लास्ट में एक भी नहीं बच रहा है। तो बताओ कम से कम कितने अंडे होंगे? क्या मैं अब समझा पाया सवाल? यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा अंडों में नहीं, क्लास में भी कर सकते हैं। बड़ी सी क्लास है, हमने दो दो लड़के लिए जी, इन दो को एक, दो लोगों को जो है, इन दो को एक यूनिट माना जाएगा, इन दो को एक, दो दो के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए तो एक बच्चा अकेला छूट गया। तीन तीन के ग्रुप बनाए तो दो बच्चे छूट गए, चार चार के बनाए तो लास्ट में तीन बच्चे छूट गए, पांच पांच के ग्रुप बनाए तो लास्ट में चार बच्चे छूट गए, छह छह के ग्रुप बनाए तो लास्ट में पांच बच्चे छूट गए।
लेकिन जब सात सात है ग्रुप बनाए तो लास्ट में कोई नहीं छूटा, मतलब पूरे पूरे बन गए सात सात है। तो क्लास में कितने बच्चे होंगे कम से कम, ये भी सवाल हो सकता है। कम से कम क्यों कहते होंगे, क्या एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन नहीं आता होगा? क्यों बच्चों, हेलो, आप मॉड्यूलो में आंसर लाते हैं ना बच्चों इसमें? यस सर। तो जो मॉड्यूलो में आंसर लाते हैं आप, कोई नंबर कहते हैं कि ये इसका आंसर होगा, तो आप उससे बड़ा आंसर भी ला सकते हैं या नहीं? फिर यस सर। हाँ, तो आप कम से कम वाला इसीलिए पूछ रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक आंसर आ गया तो उसके मल्टीपल में भी आंसर आ सकते हैं ना बच्चों, सोचो। अरे भाई मान लो 250 अंडे आ गए, मान लेते हैं, तो फिर 500 भी चलेगा या नहीं? यस सर। तो मॉड्यूलो में हम सोच रहे हैं, तो इस सवाल को कैसे किया जाए, कुछ दिमाग में देखिएगा। हमें इस कहानी को पहले मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, देखिएगा, एक्स रिमूव्ड फ्रॉम अ बास्केट, अब बास्केट से कितने रिमूव किए एक बार में, टू एट अ टाइम, अब समझ में आ जाएगा, दो एक बार में। अच्छा तो बचे कितने, एट, थ्री एट अ टाइम, तो कितने बचे, दो, तो एट एट कम पड़ा वो हर बार, फोर एट अ टाइम, थ्री, फाइव एट अ टाइम, फोर, सिक्स एट अ टाइम, कितने बच रहे हैं, पांच, सेवन एट अ टाइम, कितने बच रहे हैं, 0। लास्ट में जीरो बच रहे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली इतने में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों ये समझ में आया? अच्छा सर। लेट मिनिमम नंबर ऑफ एक्स बी एक्स, ठीक हो गया। तो क्या पहली क्वेश्चन आपको ये बता रही है कि एक्स कॉन्ग्रुएंट वन मॉड्यूलो टू है, एक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में एट बचेगा, यस सर। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, सोचिए। तो हम दूसरी क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू टू मॉड्यूलो थ्री, जब थ्री थ्री करके लिया एट बार में तो लास्ट में दो बचा, क्या मैं समझा पा रहा हूं ये? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ही सोचते जाइए फिर आप। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो फोर मॉडलो फोर। थ्री, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो फाइव में फोर, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो सिक्स में फाइव, और लास्ट एक्स कॉन्ग्रुएंट टू सेवन ले लेंगे तो मॉड एक्स टेस्टेड कॉन्ग्रुएंट आएगा, 0। तो फाइनली हमने इस स्टोरी को इन इक्वेशंस में बना दिया। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों सभी लोगों को?
यस लेकिन हमारी परेशानी अभी भी है। कल जब हमने इस तरह का किया था n1 n2 n3 nr, तो आपको याद होगा कोई भी दो n आपस में रिलेटिवली प्राइम थे। लेकिन यहां पर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को देखिए तो क्या ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, मॉड्यूलो टू और मॉड्यूलो फोर? नो सर तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक ही इक्वेशन आए, एक गायब हो जाए। ऐसा ही मॉड्यूलो थ्री और मॉड्यूलो सिक्स के साथ हो रहा होगा, ऐसा ही मॉड्यूलो फोर और मॉड्यूलो सिक्स के साथ हो रहा होगा, फोर और सिक्स। तो इसका मतलब अभी भी हम कल वाला रिजल्ट यूज नहीं कर सकते बच्चों। क्या ये समझ में आया? यस सर We can't use Chinese remainder theorem because GCD of 2 and 4 is not 1. GCD of 4 and 6 is not 1. GCD of 3 and 6 is not 1. तो हम कैसे लगा सकते हैं? वो थ्योरम तो कल ये थी। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में देखा कि कल मैं सोच रहा था रात को कि ये आपको बताया जाए, ये एक क्वेश्चन बहुत कुछ चीजें समझाएगा। तो अब वो बहुत सारी चीजें क्या हैं उनको देखते हैं। अच्छा, टू इक्वेशन वन में मॉड्यूलो टू है और थ्री में मॉड्यूलो फोर है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फोर, अगर इक्वेशन थ्री को ले रहे हैं तो इक्वेशन वन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थ्री में ही वन भी शामिल है। कैसे देखिएगा, थ्री देखते हैं। थ्री क्या था जरा देखिएगा, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू थ्री मॉड्यूलो फोर है। ये पहला स्टेप, ये दो तीन स्टेप हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू थ्री मॉड्यूलो फोर ये आपके पास है। इसका मतलब हुआ फोर डिवाइड्स एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब हुआ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फोर टाइम्स सम एन। ऐसा ले सकते हैं आप, एन कोई इंटीजर होगा तो एक्स आपके पास आ गया थ्री प्लस फोर एन, तो आप इसे वन प्लस टू प्लस फोर एन लिख सकते हैं। वन प्लस टू टाइम्स वन प्लस टू एन लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू टू टाइम्स टू वन प्लस टू एन। तो बच्चों अब आप ये बताइए, राइट साइड को टू डिवाइड करेगा तो लेफ्ट को भी करेगा या नहीं? यस सर तो यहां से आप ये लिख सकते हैं एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो टू, अरे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर यस सर तो आपने जब ये ले लिया, देखिए जा अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, एक्स कॉन्ग्रुएंट थ्री मॉड्यूलो फोर थर्ड इक्वेशन थी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। देखिए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो टू है या नहीं, देखिए तो ये ठीक है। यस सर तो यस थर्ड अगर सही है तो फिर फर्स्ट अपने आप सही है, तो फर्स्ट को लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वेशन हमने ट्रम कर दी। सभी लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सो वी कैन एलिमिनेट
इक्वेशन वन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थर्ड अगर है, थर्ड को मान लेके चलिए, वन वाला सेटिस्फाई अपने आप हो जाएगी उसी से कंडीशन। एट तो कम हो गई इक्वेशन, ऐसी और करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। अच्छा, तो इक्वेशन अब हमारे पास जो है, मैं इक्वेशन टू और फाइव को पहले लिख लेता हूँ। बार बार ऊपर आना पड़ा है। टू में मॉड्यूलो थ्री है, फाइव में सिक्स है। तो मॉड्यूलो थ्री और मॉड्यूलो सिक्स है, तो थ्री में टू बच रहा है, सिक्स में फाइव बच रहा है, ठीक हो गया। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फाइव वी हैव एक्स कॉन्ग्रुएंट टू, मॉड्यूलो थ्री है तो टू बच रहा है, और मॉड्यूलो सिक्स है तो फाइव बच रहा है। हमारे पास ये है, इनमें से भी हम कोशिश करते हैं हटाने की। देखिए, मॉड्यूलर सेट्स ले आते हैं ऊपर वाले को भी, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, हमने पढ़ा था ऐसा। इस इक्वेशन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर टू, यहां पर भी, और यहां पर थ्री इंटू टू आ जाएगा या नहीं? फ्रॉम टू, टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू फोर, मॉड्यूलर सेट्स लिख सकते हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर, अच्छा, तो हमारे पास टू एट्स कॉन्ग्रुएंट टू ये आ गया। सॉरी, एक मिनट। दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये टू ए मान लेते हैं आप, और एक्स कॉन्ग्रुएंट टू फाइव मॉड्यूलो सिक्स, ये भी है, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन हो गई। तो क्या लिख सकते हैं यहां से? हाँ, टू एक्स माइनस एक्स कॉन्ग्रुएंट फोर माइनस फाइव मॉड्यूलो सिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो सिक्स आ जाएगा। माइनस वन मतलब फाइव ही हुआ सिक्स मॉड्यूलो में। तो हम इसे ले लेंगे। अब शुरू में कितने क्वेश्चंस थे? शुरू में कितने लिखी थी हमने इक्वेशंस? सिक्स। सिक्स, तो इसे सेवन कर देते हैं। और ये दोनों से आए हैं, तो मैं यहां से अब टू और फाइव दोनों हटा के इनकी जगह इन दोनों की मदद से हम नई इक्वेशन ले आए। तो मैं यहाँ पर कहूंगा, इफ इक्वेशन सेवन इज ट्रू, सेवन इज ट्रू, सर, ये इक्वेशन 7 इक्वेशन 5 ही तो है ना? ठीक है। लेकिन अब ये कहने के लिए हो गया कि हमने दोनों हटा दी, हम बिल्कुल फाइव ही है, क्योंकि माइनस वन की जगह प्लस सिक्स कर दो, फाइव ही आ जाएगी। तो मतलब ये कहना था कि फाइव ले लो तो टू हटा दो कहना था,
और या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से नए क्वेश्चन ले आओ, आप कह दो ये पुराने दोनों हटा दो। बेसिकली एक ही बात है, एक को हटाना है एक को मेंटेन करना है। देन टू एंड फाइव बोथ आर ट्रू। तो अब हम टू और फाइव की जगह केवल सेवन को यूज करेंगे, मतलब फाइव ही यूज करेंगे बेसिकली। ठीक, एक कॉम्बिनेशन और है बच्चों, एक पॉइंट और है। कौन सा? फोर ये वाला और मॉड्यूलर सिक्स वाला। जो फोर और सिक्स, फोर में थ्री आ रहा है, सिक्स में फाइव आ रहा है। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम इक्वेशंस कौन सी है ये? अरे कौन सी है? अच्छा, थ्री और फाइव थ्री और फाइव। तो एट्स कॉन्वेंट टू मॉड्यूलो एट फोर है, तो फोर में थ्री आया है और एट में मॉड्यूलो सिक्स है तो फाइव आया है। ठीक, तो इस चीज पर या फिर ऐसा लिखते हैं हम, नाउ वी हैव इक्वेशंस, जो फोर ही जो तो हमने नया ले आए हम। अब हमारे पास फोर टू हटा दिया है हमने, मॉड्यूलो टू, मॉड्यूलो थ्री भी हटा दिया, तो एट्स कॉन्ग्रुएंट टू, तो मॉड्यूलो फोर बचा है। ये तो सीधे ही टू हटा रखा है, तो ये थ्री था। अब आप यहां से इक्वेशन नंबर ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, एक तो ये बचा आपके पास, मॉड्यूलो फाइव में तो फोर था, ये वही है, और मॉड्यूलो सिक्स में आप माइनस वन ले आए, ये सेकंड, ये थर्ड। बेसिकली अब आप इक्वेशन को इतने ले आए, इट्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड्यूलो सेवन। अब हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन रिड्यूस हो गए, यहां तक आ गया। हमें इन चार इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है, मतलब ये सवाल हो गया। ठीक है सर, अब यहां पर भी फिर वही बात आई कि ये इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में मॉड्यूलो फोर, और सिंस सीसीडी ऑफ फोर एंड सिक्स इज नॉट वन, तो इनको में से भी एट को हमें गायब करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएं? देखिए, दोनों को मॉड्यूलो सिक्स और फोर का एलसीएम हुआ 12, 12 पे लाते हैं, तो ऊपर से थ्री को मल्टीप्लाई, थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट थ्री एट्स कॉन्ग्रुएंट टू नाइन मॉड्यूलो फोर, नहीं फोर नहीं ट्वेल्व आ जाएगा, फोर इंटू थ्री। और फ्रॉम थर्ड, थर्ड को देखिए वहां भी मॉड्यूलो ट्वेल्व लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टू से, तो टू एट्स कॉन्ग्रुएंट टू माइनस टू। तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू नाइन प्लस टू मॉड्यूलो ट्वेल्व, तो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू इलेवन मॉड्यूलो ट्वेल्व। ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की जगह पर
हमारे पास ये आ गई 12 पे। फर्स्ट और थर्ड दोनों हटा देंगे, उस चीज ये रख देंगे। तो फिर अब कितनी इक्वेशंस बची बच्चों, यहीं पर लिखते हैं यार। कितनी बची अब? तो 3 सो भी है अब। एक्स कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड्यूलो 5, एक बची। एट्स कॉन्ग्रुएंट टू 7, नहीं 0 मॉड्यूलो 7, ये दूसरी बची। एट्स कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 12, 5, 7 और 12, क्या ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है? यस सर। तो अब यहां से एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इतनी मेहनत तो हमने पहले इक्वेशंस को ग्रैब करने में लगाई, तो ब्रह्म रूप से आपका जो क्वेश्चन था वो यहां से स्टार्ट होगा। तो अब आप चाहें तो इनको जो भी नाम दें, आप क्या नाम देते हैं? ए बी सी। सिंस 5, 7 एंड 12 आर रिलेटिवली प्राइम, तो वी कैन यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम लगा सकते हैं, तो ठीक हो गया बच्चों। अब हम यहां से सॉल्यूशन सोच रहे हैं। पहले आप लोग बताइए, क्योंकि अब तो वो वही मेथड है जो कल शाम हमने किया था। आप लोग ये बताइए प्लीज कि अभी इससे पहले वाला सारा समझ में आया है या नहीं आया? यस सर आ गया। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन में भी बताइए, अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। बच्चों जब तक पेन नहीं चलाएंगे ना दिक्कत आएगी। एन क्या लेंगे अब? मैं इसी को आगे बढ़ा दूं। एन इक्वल टू 5 इंटू 7 5 7 7 12 12, ऐसे रहने दो। कैपिटल एन वन एन अपॉन एन वन, तो जितना हो जाएगा 84। कैपिटल एन टू एन अपॉन एन टू था, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा 60। और कैपिटल एन थ्री अपॉन 35 एन थ्री 35। पहला आपके पास हो जाएगा 84 है ना, तो 84x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 5। ये ठीक है, याद आ रहा है? n1x1 n2x2 यस सर। दूसरा सिक्सटी एक्स टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। और तीसरा 35x3 मॉड्यूलो 12। तो वो A1 N1 आपके पास सारे नंबर हैं, क्या आप यहां से आगे कर पा सकते हैं या नहीं? एक्स क्या लेंगे आप? एक्स क्या था? A1 N1 X1 प्लस A2 N2 X2 प्लस A3 N3 X3। आप बता सकते हैं क्या आएगा? A1 क्या था ऊपर? फोर ये 4, 0 और 11। तो 4
यहाँ जीरो, फोर यहाँ जीरो और यहाँ इलेवन। ठीक, एन वन एन टू एन थ्री आपके सामने हैं, 84। अब यहाँ तो कुछ रखे फायदा नहीं है, 60 और 11 एन थ्री 35। और क्या रखेंगे? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री याद है? इसको छोटा करिए, 5 से 84 को डिवाइड करिए, तो एक बार ज्यादा कर लीजिए 85, तो माइनस एक्स वन वन, तो एक्स वन 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 तो माइनस वन आ जाएगा। कल याद है नहीं आप ऐसा किया था? तो एक्स टू 7 से डिवाइड करेंगे, एक्स टू में तो अब कोई फायदा भी नहीं है, नहीं, नहीं भी निकालते हैं तो जीरो आ रहा है। यहाँ 12 से एक्स थ्री 36 माइनस वन, यहाँ भी मॉड्यूलो 12। तो इसका एट सॉल्यूशन यही मिलेगा या नहीं? एक्स वन इक्वल माइनस वन ही रख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? और यहाँ भी एक्स वन की जो माइनस वन रख दीजिए, तो माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो 5 है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। तो रखिए फिर, यहाँ माइनस वन, यहाँ छोड़ो, जीरो आ गया तो ये भी माइनस वन, कितना आएगा है जरा देखिए। तो फोर 16 32 माइनस, ये तो जीरो हो गया, माइनस 55 38 माइनस माइनस 721, इतना आ रहा है। यस सर। और मॉड्यूलो ये हुआ नहीं, माइनस 721 मॉड्यूलो एन होता है तीनों का प्रोडक्ट, मॉड्यूलो कितना हुआ है? 420। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करिए, 420 का डबल कितना हुआ? 2 into 420 माइनस 721 कर लो ना, और 420 तो 8 into 8 40, 84, 840 में से 721 कम करो तो 720, 19, 119। सो मिनिमम नंबर ऑफ एड्स इन द बास्केट कितने होने चाहिए? 119 होने चाहिए। 119 अगर अंडे टोकरी में है बच्चों, तो आप दो दो करके उठाएंगे तो एक बचेगा या नहीं? यस सर। तीन तीन करके उठाइए, तो 3 से डिवाइड करिए इन सब, इसको दो बचेंगे। यस सर। करते जाइए, तीन तीन करके उठाइए, मतलब 3 से डिवाइड करिए तो 2, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 6 से डिवाइड करेंगे 5, लेकिन 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एक सौ उन्नीस आंसर है। क्या आपको नहीं लगता कि आंसर और भी लाए जा सकते हैं इस हिसाब से? ये मिनिमम था।
ये सारी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? यस सर। तो ये सॉल्यूशन है फिर तो ब्रह्मगुप्त का। ये लाजवाब क्वेश्चन है। और 7th सेंचुरी का मतलब बच्चों सोच लो आप, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं आप लोग। ये उस दौर के लोगों का काम है। आप 21st सेंचुरी में भी अगर सीख जाए ना तो आपको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है। उन लोगों ने ये तब प्रॉब्लम सोची है। और करने का सबसे बेहतर तरीका चाइनीज का है। हम वही मेथड यूज कर रहे हैं। आपने क्या किया बेसिकली, देखिए जो कोई भी दो क्वेश्चंस अगर ऐसी हैं जिनमें मॉड्यूलों में जीसीडी N1 N2 का 1 नहीं है, तो या तो उनमें से एक को हटाया जा रहा है या उन दोनों से नई इक्वेशन लाई जा रही है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को कम करते हैं। पहले इक्वेशंस उतनी बनाते हैं जिसमें Ni और Nj आपस में रिलेटिवली प्राइम, और फिर बहुत ऑर्डिनरी तरीका है सॉल्व करने। आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा? तो इसमें इतना ही करिए। अब आपको मैंने क्वेश्चंस वो भी बता दिए जो मेरा मतलब है कि जिनसे आप इक्वेशंस की संख्या ज्यादा होने के बावजूद घटा कैसे सकते हैं। कुछ डायफेंटाइन और एक तो चीजें और रह गई हैं, एट लेक्चर की और जरूरत है इसमें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। चलिए ठीक है।